अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक्जॉटिक फ्रूट को सिलेक्ट किया है। दोस्तों आज मैं हम लोग को गोजी बेरी फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों गोजी बेरी को इसके अलावा वोल्फ बेरी भी बोला जाता है। और दोस्तों नेटिव तौर पर ये ईस्ट एशियन फ्रूट है। और दोस्तों ईस्ट एशियन कुजीन के अंदर बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली चाइना के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, फिलिपाइन के अंदर गोजी बेरी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कोरिया, जापान, चाइना के अंदर इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी यूज किया जाता है। और दोस्तों दिखने के अंदर लाल रंग का होता है। और दोस्तों जायके के अंदर खट्टा मीठा होता है। और दोस्तों इसे रॉ फॉर्म के अंदर भी खाया जाता है, इसे खुशक करके भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गोजी बेरी फ्रूट के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। और दोस्तों इसे सोप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसे मीठी डिशेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे केक्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे हर्बल टीज भी बनाई जाती हैं, इसके अलावा इसे जूसेस बनाए जाते हैं, इसे शराब भी बनाई जाती है। और दोस्तों अगर गोजी बेरी फ्रूट के न्यूट्रन फैक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों अगर गोजी बेरी के हर बेनिफिट्स के हवाले से बात की जाए, और दोस्तों ये कोफ्ते मुदाफियत को मजबूत बनाता है, शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों इसके अलावा दिल के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन है इसे खाने से। और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है। दोस्तों इसके अलावा वायरल डिजीजेज और बुखारों के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो गोजी बेरी जो है विटामिन ए से भरपूर होता है, इस वजह से ये आंखों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों आंखों की रोशनी को तेज बनाता है। और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों गोजी बेरी पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको बड़ी फ्रूट मंडियों में आसानी के साथ मिल जाएगी, इम्पोर्ट होकर आती है। और दोस्तों इसके अलावा इसे ड्राई फ्रूट शॉप से भी आप खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो गोजी बेरी फ्रूट यानी वोल्फ बेरी फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रन फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। दोस्तों गोजी बेरी आप जब भी इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी की पकी हुई इस्तेमाल करें। दोस्तों कई अफराद को गोजी बेरी खाने से एलर्जी होती है। दोस्तों इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो ऐसे अफराद भी गोजी बेरी इस्तेमाल करने से परहेज करें, यह ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गोजी बेरी फ्रूट यानी वोल्फ बेरी फ्रूट के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद आपको कोई सवाल है गोजी बेरी फ्रूट के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और नया फ्रूट के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको कमेंट का जवाब भी दूंगा और आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मानवाती वीडियोज ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।